नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि इन दिनों देश के जो है मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रचंड प्रकोप है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। इसी बीच भी आज जो है उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंडी हवाओं के कारण बारिश होने की भी संभावना है, जबकि दक्षिणी भारत के कई इलाकों पर आज भी बारिश होने के आसार है। दरअसल पिछले कई दिनों से हिमालय के ऊंचाई इलाकों में बर्फबारी के साथ ही बारिश रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ साथ वर्षा के जारी रहने की आशंका है। पहाड़ी इलाकों में तापमान का पारा गिरकर शून्य के करीब या फिर इससे भी नीचे यानी कि माइनस में भी चला गया है। कई जगहों पर ठंड के कारण पानी तक जम चुका है, जिसके कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी बीच पहाड़ी इलाकों से चल रही ठंडी हवाओं के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ठंड की स्थिति यह है कि लोग दिन में भी जो है घरों से निकलने से बच रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में तापमान पारा जो है तेजी से लुढ़कता जा रहा है। इससे लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड के साथ साथ धुंध और कोहरे ने भी आम जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। धुंध और कोहरे के कारण कई जगहों में जो है सुबह के वक्त विजिबिलिटी जो है शून्य के करीब पहुंच गई है, जिससे यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कोहरे की सबसे ज्यादा मार लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी पड़ रही है। कोहरे के कारण ट्रेनें भी ज्यादातर लेट हो रही है, इससे यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी आज हल्की से लेकर मध्यम बर्फबारी होने की पूरी पूरी संभावना है। कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में राष्ट्र और कच्छ में भी शीतलहर होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट सहित केरल और लक्षद्वीप के कई इलाकों में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की पूरे पूरे आसार मौसम विभाग के द्वारा जता दिए गए हैं। दोस्तों, यथा संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24-48 घंटों का मौसम का पूर्व अनुमान, अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है और आपके क्षेत्र से ही वह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गाँव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।